हेलो, आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 3 पावर x डॉट 3 पावर x डॉट 3 पावर x इज इक्वल टू 12। इसमें x अननोन है, x को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर x डॉट 3 पावर x डॉट 3 पावर x, इनके लिए एक रूल है। वो यह है एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर्स को ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 बेसिस हैं सेम, तो इन 3 बेसिस में से एक ही बेस लिख लेंगे और ये पावर्स ऐड हो जाएंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो 3 पावर ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू लॉग 12। अब लॉगरिथम का एक रूल है, वो यह है कि लॉग ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज एक्सपोनेंशियल में हो, उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर रहे हैं, तो पावर पहले आ जाता है और साथ में लॉग ए हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये 3 पावर x ये पहले आकर साथ में लॉग 3 हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर 12 है तो 12 की जगह लिख लेते हैं 3 क्रॉस 4। ठीक है, अब इनके लिए एक रूल है, वो यह है कि लॉग इन टू ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब यह है कि जब कोई दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो, उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर लें, तो फिर इस तरह स्प्लिट किया जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहां पर भी 3x लॉग 3 इज इक्वल टू, अब ये दो नंबर प्रोडक्ट में है तो इस तरीके से स्प्लिट किया जाएगा लॉग 3 प्लस लॉग 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं लॉग 3 से। यहाँ पर डिवाइड बाय लॉग 3, फिर यहाँ पर डिवाइड करना होगा लॉग 3 से। तो ये लॉग 3 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 3x इज इक्वल टू, अब ये लॉग 3 डेनोमिनेटर में है तो इनको हम लिख सकते हैं लॉग 3 डिवाइड बाई लॉग 3, बीच में प्लस है लॉग 4 डिवाइड बाई लॉग 3। यानी इस डेनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया, अब ये कैंसिल आउट जाएंगे, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू इनकी जगह 1 प्लस। अब इनके लिए भी एक रूल है, वो यह है कि लॉग टू द बेस ए आर्गुमेंट बी इज इक्वल टू लॉग बी बाई लॉग ए। मतलब यह है कि लॉग टू द बेस ए आर्गुमेंट बी हो, तो यही लॉग आर्गुमेंट के साथ अलहदा लिखा जाता है और बेस के साथ अलहदा बीच में डिवीजन आ जाती है। तो क्वेश्चन कुछ इस सूरत में मौजूद है, इसी सूरत में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही लॉग हो जाएगा, ये लॉग 3 नीचे है तो 3 जो है वो एक ही जगह आ जाएगा, और लॉग 4 यानी लॉग बी, तो 4 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। अब बोथ साइड डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, इस साइड से डिवाइड बाई 3, तो फिर इस साइड से डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल आउट जाएंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाई 3। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक्स की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 12 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो यह है हमारा रिजल्ट, अब चेक कर लेते हैं कि
कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर 3 पावर x की जगह इस रिजल्ट को पुट करना है 1 प्लस log to the base 3 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाय 3 डॉट 3 पावर फिर से x की जगह 1 प्लस log to the base 3 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाय 3 डॉट 3 पावर 1 प्लस log to the base 3 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब जिस तरह मैंने पहले रूल बताया, जब सेम बेसिस हो तो ये की बेस लिखा जाता है और पावर्स एड किए जाते हैं। तो पावर जो है वो 3 टाइम्स है, 1, 2 एंड 3। तो लिख लेते हैं 3 टाइम्स 1 प्लस log to the base 3 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो ये 3 और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 3 पावर 1 प्लस log to the base 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। अब इनके लिए भी एक रूल है, वो यह है कि एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में कि बेस लिखा जाता है और पावर्स एड किए जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस सूरत में मौजूद है, इसी सूरत में स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 डॉट 3 पावर log to the base 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 12। अब 3 पावर 1 हो जाएगा 3 डॉट 3 पावर में ये जो है इनके लिए भी एक रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो इनके ऊपर पावर में लॉग के साथ फिर बेस ए हो आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो तो फिर इक्वल आ जाता है बी का। तो यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है, यहाँ पर बेस 3 है, पावर में लॉग के साथ फिर बेस 3 है आर्गुमेंट 4 तो ये फिर आर्गुमेंट की इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो देखो 3 4 12 इज इक्वल टू 12। अब देखो ये आपस में सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।